नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे गदर 2 ओटीटी पर कब रिलीज होगी। पहली बात तो ये कि अभी फिल्म थिएटर्स में चल रही है और आजकल कम से कम 8 हफ्ते बाद में फिल्म ओटीटी पर रिलीज की जाती है, मतलब 2 महीने बाद। तो 11 अगस्त को ये फिल्म रिलीज हुई थी और 11 अगस्त से 11 सितंबर 11 अक्टूबर से फिल्म 11 अक्टूबर से पहले तो फिल्म ओटीटी पर रिलीज नहीं होने वाली है। लेकिन ओटीटी पर रिलीज कब हो सकती है इसके बारे में जो एक रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले आपको बता दूं कि पठान फिल्म को ओटीटी पर करीब 100 करोड़ रुपए में सेल किया गया था अमेजन प्राइम वीडियोज के लिए। और दोस्तों गदर 2 इससे बड़ी प्राइस में सेल होने वाली है। अभी तक की जो रिपोर्ट आई है उसको 150 करोड़ 150 करोड़ रुपीज में गदर 2 के जो डिजिटल राइट्स है वो सोल्ड आउट होने वाले है। और गदर 2 19 अक्टूबर यानी कि सनी देओल सर का बर्थडे है, जहां तक मैं सही हूँ आप चेक करिएगा, बताइएगा क्या मैं सही हो गया। 19 अक्टूबर को इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म जी स्टूडियो पर रिलीज किया जा सकता है। अभी तो यही सुनने में आ रहा है कि जी स्टूडियो पर इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा और करीब करीब इसको मतलब 19 अक्टूबर को रिलीज किया जाएगा। और इसकी जबरदस्त प्राइस में ये फिल्म सोल्ड आउट हुई है, 150 करोड़ में ये फिल्म सोल्ड आउट हुई है। तो जबरदस्त तरीके से खूब पैसा इस फिल्म से प्रोड्यूसर ने और डिस्ट्रीब्यूटर ने सभी ने अच्छी तरह से अर्निंग की है। और सनी देओल सर की भी अब जो फीस है, जो चार्ज है, वो काफी बढ़ गया है। कहा जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए तक की उनको पर फिल्म के हिसाब से मिलेंगे, ऐसी बात जरूर कही जा रही है। और सनी देओल सर ने कहा है कि अगर उन्हें कोई उन्हें लगता है किसी डायरेक्टर किसी प्रोड्यूसर को लगता है कि वे 50 करोड़ रुपए डिजर्व करते हैं, 50 करोड़ के एक्टर है, तो डेफिनेटली उन्हें कोई एतराज नहीं है, इस तरह के स्टेटमेंट्स उनके आए हैं। तो दोस्तों जबरदस्त तरीके से एक गदर 2 के डिजिटल राइट्स बिकने वाले हैं और ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी उतना ही बड़ा कमाल करने वाले जितना इसने थिएटर्स में किया है। और अभी तो थिएटर्स में फिल्म टिकी रहेगी, मुझे लगता है कम से कम 1 महीने तक फिल्म थिएटर्स में रहेगी। और जो रिकॉर्ड आप सभी चाह रहे हैं वो रिकॉर्ड तोड़ने के बाद में ही इसको ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। तो अभी तक ये न्यूज है वो चल रही है लगातार, अभी तक पूरी तरह से ऑफिशियल स्टेटमेंट तो मैंने नहीं देखा अभी जी स्टूडियो की तरफ से, लेकिन कुछ वेबसाइट्स की तरफ से ये खबरें आ रही है कि 19 अक्टूबर को फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो सकती है और करीब 150 करोड़ रुपये में इसको मतलब इसके डिजिटल राइट्स सोल्ड आउट हुए। जी स्टूडियो फिल्म को जल्दी ही पूरी अच्छी तरह से आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट देगा कि कहाँ पर और कब आप इस फिल्म को ओटीटी पर देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री राम, जय बोलना।